इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल ड्राइव की एक सिक्योरिटी सेटिंग के बारे में और इस सेटिंग के बारे में हर एक एंड्रॉयड यूजर्स को पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अक्सर हम लोग गूगल ड्राइव का यूज करते ही करते हैं बैकअप लेने के लिए, चाहे फोटो का, वीडियो का या फिर किसी भी तरह के फाइल्स का बैकअप लेना हो तो हम गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जिस सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, अगर इस सेटिंग में किसी भी प्रकार की छेड़खानी यानी कि चेंजिंग देखने को मिल रहा है आपके गूगल ड्राइव अकाउंट में, तो आप समझ जाना आपका पूरा फोन ही हैक हो चुका है। क्योंकि अगर आपका गूगल ड्राइव अकाउंट हैक हो जाएगा तो आपके फोन में जितने भी सारे फोटो, वीडियो या फिर किसी भी तरह का इम्पोर्टेंट फाइल होगा वो सब कुछ दूर बैठा हैकर्स आसानी से देख सकता है, यहाँ तक कि आपके फोन तक को भी एक्सेस कर सकता है। इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको उस सेटिंग के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कहां पर देखने को मिलेगा, और बाद में ये भी बताऊंगा कि अगर उस सेटिंग में चेंजिंग देखने को मिला है आपको तो आप उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। ओके, तो जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है ड्राइव, गूगल ड्राइव सर्च कीजिए या फिर टाइप कीजिए ड्राइव कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही आप ड्राइव सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके से गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको अपडेट कर लीजिए। क्योंकि टाइम टू टाइम आपको हर एक एप्लीकेशन को जिसका आप यूज रेगुलर करते हैं उसको अपडेट करते रहना है। इससे क्या होता है कि जो भी उसमें खामियां होती हैं यानी कि जो भी बग होता है उसे फिक्स किया जाता है, अदरवाइज आपके उस एप्लीकेशन की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कई सारे हैकर्स अटैक करने की कोशिश करते हैं और जहां पर उसको सिक्योरिटी कमजोर लगती है वहां पर एंट्री आसानी से ले लेते हैं। ठीक है, तो आप अपडेट करते रहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओपन करना है, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको थ्री लाइन का ऑप्शन दिखेगा, शायद आपको टूटा हुआ है स्क्रीन जिस वजह से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस पर क्लिक कीजिएगा थ्री लाइन पर तो आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन आपको दिखेगा सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आपको ऑटो बैकअप फॉर एप्स के जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा बैकअप एंड रीसेट का, आप बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट दिख जाएगा, जो भी आपका जीमेल अकाउंट होगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और उसके जस्ट नीचे बैकअप बाय गूगल वन ये भी आपके फोन में इनेबल होगा, और इसी दो सेटिंग को आपको चेक करना है टाइम टू टाइम। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए आपका फोन एक दो मिनट के लिए ही सही कोई बंदा लेता है आपसे, ठीक है, मान लीजिए आपके फ्रेंड्स या फिर आपके कोई और रिलेशन वाले या फिर कोई भी जो चाहता है कि आपका सारा डिटेल्स मेरे पास आ जाए, तो वो क्या करेगा यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट, यहाँ पर देखिए मैंने जीमेल अकाउंट को ब्लर कर रखा है, तो यहाँ पर वो अपना जीमेल अकाउंट लिंक कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको सेकेंड ऑप्शन दिखेगा बैकअप बाय गूगल वन, ये आपके फोन में बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा जैसे ही आप जीमेल अकाउंट ऐड करोगे तो। लेकिन यहाँ पर ये दोनों चेक कीजिएगा कि अकाउंट स्टोरेज के जस्ट नीचे जो जीमेल अकाउंट दिख रहा है वह जीमेल अकाउंट आपका ही है या फिर किसी और का, यानी कि अगर अननोन जीमेल अकाउंट होगा मीन्स किसी और का होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये भी चेक कीजिएगा बैकअप बाय गूगल वन के जस्ट नीचे कि जो मोबाइल फोन का मॉडल नंबर दिखाया जा रहा है वह मॉडल नंबर वाकई मेरे ही मोबाइल फोन का है या फिर किसी और का। तो यहाँ पर देखिए मॉडल नंबर आपको दिख रहा होगा ना, ये मॉडल नंबर आप मैच कर लीजिएगा। मॉडल नंबर कैसे आप पता करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको करना क्या है, सेटिंग्स में आ जाना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एक ऑप्शन दिखेगा अबाउट डिवाइस, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर डिवाइस नेम, ओके, यहाँ पर मॉडल सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो आप यहाँ से मॉडल चेक कीजिएगा तो आपके फ़ोन का जो मॉडल नंबर है वो दिख जाएगा, तो इस मॉडल नंबर को आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा। अगर दोनों मॉडल नंबर सेम है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मॉडल नंबर डिफरेंट है, मान लीजिए आपका मॉडल नंबर ये है और कोई और नंबर दिख रहा है, तो भाई आप समझ जाना आपका जो गूगल ड्राइव का सारा बैकअप है वो किसी दूसरे जीमेल अकाउंट पर और किसी दूसरे फ़ोन में हो रहा है। अब ऐसे में होगा क्या, ऐसे में क्या होगा कि देखिए नीचे आ जाइए, यहाँ पर बैकअप डिटेल्स दिया गया है, आप अपने फ़ोन में, ठीक है, जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं उसका सारा बैकअप इस जीमेल अकाउंट पर होता रहेगा, फोटोज एंड वीडियोज का जो बैकअप है वो आपके जीमेल अकाउंट पर होता रहेगा, मतलब जिसने अपना जीमेल अकाउंट ऐड कर रखा है उसी जीमेल अकाउंट पर। उसके बाद एसएमएस एंड एमएमएस मैसेजेज, कॉल हिस्ट्री, मैंने सारा अभी ऑफ कर दिया है अभी आपके सामने,
तो यहाँ पर डिवाइस सेटिंग्स, गूगल अकाउंट डाटा, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, ड्राइव, जीमेल, मतलब ये सारी चीजें सिंक ऑन हो रखी है। तो इन सारी चीजों का जो बैकअप है आपके जीमेल अकाउंट पर होता रहता है। अब ऐसे में कोई यहाँ पर आकर के जीमेल अकाउंट चेंज कर दे और अपना जीमेल अकाउंट ऐड कर ले तो आपका सारा डिटेल्स लीक होता रहेगा, आपका सारा जो फाइल्स है वो किसी दूसरे जगह ट्रांसफर होता रहेगा और ऐसे में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है इन फ्यूचर आपका पूरा फोन भी इस जीमेल अकाउंट की वजह से हैक कर लिया जाए, आपका ओटीपी भी बाईपास करा लिया जाए, ये भी हो सकता है। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आपको करना क्या है, आप अपना जीमेल अकाउंट चेंज कर लीजिएगा। गूगल ड्राइव में जीमेल अकाउंट को चेंज करने के लिए सिंपल यहाँ से बैक आ जाइए, ठीक है। बैक आने के बाद इस तरीके से पेज आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी कई सारे अकाउंट जीमेल अकाउंट लॉगिन हो रखे हैं तो यहीं पर आपको दिख जाएंगे, जब आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो सिंपल उस जीमेल अकाउंट पर क्लिक करना है, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने सिर्फ सिंगल जीमेल अकाउंट ही लॉगिन कर रखा है तो आप यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद गूगल पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है कुछ इस तरीके से। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर जो है आपको अपना जीमेल अकाउंट ऐड कर लेना है, जो भी जीमेल अकाउंट आप अपने गूगल ड्राइव में चेंज करके रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, पासवर्ड डाल करके ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका जीमेल अकाउंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका सारा बैकअप आपके नए वाले जीमेल अकाउंट पर होता रहेगा, ठीक है। और आपका जो पुराना जीमेल अकाउंट था यानी कि हैकर्स का जो था, अब उस पर बैकअप नहीं होगा। उसके बाद आप अपने जीमेल अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए, ओके। रिकवरी ईमेल डाल दीजिए, रिकवरी फोन नंबर डाल दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका जीमेल अकाउंट कोई हैक ना कर पाए। तो सिर्फ यही एक सेटिंग आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है गूगल ड्राइव में, अदरवाइज आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपका इंपॉर्टेंट फोटो वीडियो लीक हो जाएगा, तो बाद में आपको आपके साथ ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी से अपने गूगल ड्राइव अकाउंट में इस सेटिंग को चेक कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको गूगल ड्राइव से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में सवाल चल रहा है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के फॉलो कीजिए और वहां पर अपना सवाल रखिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।